हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स दिस इज आकाश अलमुले वंस अगेन आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में स्वागत है वेलकम यू गाइस दिस इज द बिग न्यूज़ फॉर नर्सिंग फ्रैटर्निटी नर्सिंग स्टाफ फॉर द स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर स्टाफ नर्सेज ओके फॉर स्टाफ नर्स एग्जाम और नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम सो टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिक्रूटमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना मेडिकल हेल्थ सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड दैट इज नोटिफिकेशन नंबर जीरो uh, थ्री 2022 टू थाउजेंड ट्वेंटी टू विच इज अपडेटेड ऑन थर्टी डिसम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ओके सो ये हम uh, स्टाफनर्स रिक्रूटमेंट तेलंगाना जो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे डिस्कशन करेंगे कितनी वैकेंसीज आने वाली है क्वालिफिकेशन कितना है एग्जामिनेशन पैटर्न सिलेबस किस तरीके से और ऑल इंडिया कैंडिडेट भर सकते हैं या नहीं भर सकते ये फॉर्म ये भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो काइंडली मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा इफ़ यू आर न्यू टू माई यूट्यूब चैनल फर्स्ट यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल देन लाइक द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकॉन ओके सो यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन वेन एवर आई 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 मेड अ न्यू वीडियो ओके

गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का जो वेरियस डिपार्टमेंट है वहां पे कितनी पोस्ट आई है वो देखेंगे ओके सो ऑनलाइन अप्लीकेशन स्टार्ट होगा कब से टेंथ uh, कहा कब ट्वेंटी फिफ्थ जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री मॉर्निंग टेन ओ क्लॉक ऑल द ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म विल स्टार्ट ओके लास्ट डेट क्या है फिफ्टींथ फेब्रवुरी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री शाम के पांच बजे तक ओके इन द इवनिंग फाइव ओ क्लॉक ओके सो इन बिटवीन दे हैव गिवन नियर अबाउट ट्वेंटी डेज फॉरलाइन ऑनलाइन फिलिंग ऑफ अपलिकेशन फॉर्म ओके सो लेट सी द डिटेल्स ऑफ पोस्ट वैकेंसीज एलिजिबिलिटी एंड द स्केल ओके वीकैंसि नंबर वन पोस्ट कोड नंबर वन नेम ऑफ़ द पोस्ट नर्स ओके डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड वेलफेयर ओके जो तेलंगाना का जो डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन है एंड पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है फैमिली वेलफेयर का वहाँ पे वैकेंसी है थ्री थाउजेंड एट नियर अबाउट फोर वैकेंसीज है दूसरा है नर्स तेलंगाना वैद्य विधान परिषद वहाँ पे सेवन थर्ड है स्टापनर्स पोजिशन एम एन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑनकोलॉजी रीजनल कैंसर सेंटर वहाँ पे 81 वन देन फोर्थ है स्टाफनर्स डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबल एंड सीनियर सिटीजन वेलफेयर वहाँ पे आठ एट पोस्ट है फिफ्थ है तेलंगाना माइनॉरिटीज रेजिडेंशियल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड सोसाइटी वहाँ पे वन ट्वेंटी वैकेंसीज है नेक्स्ट है महात्मा ज्योतिबा फूले तेलंगाना बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी वहाँ पे वन नाइनटी वैकेंसीज है नेक्स्ट है पोस्ट नंबर सेवन दैट इज तेलंगाना ट्राइबल वेलफेयर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सोसाइटी गुरुकुलम दैट इज सेवेंटी फोर नंबर पे है थर्टीन ओके okay, ऐसे मिला के कितनी वैकन्सीज है फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फोर इट्स बिग 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 अपडेट फॉर स्टापनर्स पोस्ट ओके फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फोर मीन रियली ये साल टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री का जो साल है वो बहुत ही भारी जाने वाला है बहुत ही बढ़िया जाने वाला है बहुत सारी रिक्रूटमेंट आने वाली है हर स्टेट में हर सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है तो चलिए तो इतनी बड़ी वैकेंसी है पांच हजार दो सो पांच हजार दो सो चार वैकेंसीज ओके नेक्स्ट है यहाँ पे पूरी वैकेंसी दी है पे स्केल क्या है अभी यहाँ पे सैलरी स्केल कितना है थर्टी सिक्स थाउजेंड सेवन फिफ्टी टू वन लैक जीरो नाइन नाइनटी से एन पी ए वगैरह सब मिला के आपको जाएगा नियर अबाउट सेवेंटी थाउजेंड सैलरी जाएगा ओके इन हैंड सिक्सटी थाउजेंड सैलरी आ सकती है आपके ओके नेक्स्ट है सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होने वाली है यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस होने वाली है हंड्रेड पॉइंट के हिसाब से उसमें से 80 मार्क्स का आपका पेपर आएगा और 20 पॉइंट्स आपको इफ यू आर वर्किंग इन स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ऑन आउटसोर्स बेसिस तो आपके ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के हिसाब से वहाँ पे उसको आपको मार्क्स दिया जाएगा ठीक है तो 80 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा मल्टीपल चॉइस रिटर्न एग्जामिनेशन और बीस जो पॉइंट रहेंगे तो ऐसे मिला 80 के एट्टी पॉइंट्स के आधार पर आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है अब ट्वेंटी पॉइंट्स जो बच गए जो कि लेने वाले वो कैसे रहेंगे अगर आपको छः साल छः महीने का एक्सपीरियंस है ट्राइबल एरिया में तो वहाँ पे आपको टू पॉइंट फाइव मार्क्स मिलेंगे पॉइंट्स मिलेंगे टू पॉइंट्स अगर आपको छः महीने का एक्सपीरियंस है ट्राइबल एरिया में तो वहाँ पे ओके देन पॉइंट्स टू बी गिवन ओनली कम्प्लीटेड हाँ आपको छः महीने कम से कम कंप्लीट करने हैं वेरेवर एवर यू आर यू आर ज्वाइन एवर इन विच यूर हॉस्पिटल और विच यूर ट्राइबल एरिया सो so,

पहली क्लास से सेवन्थ क्लास तक आपने जो स्टडी किया है उसका मार्कशीट या इसका कुछ सर्टिफिकेट चाहिए वो पर्टिकुलर लोकल स्टेटस स्टेटस का अभी इसके बारे में हम जानेंगे ओके लेट्स सी तो लोकल स्टेटस व्हाट इज द लोकल स्टेटस ओके इन फर्दर वीडियो वी विल सी हाउ वी कैन क्लेम फॉर द लोकल स्टेटस ओके नेक्स्ट देन रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट वो भी चाहिए कम्युनिटी सर्टिफिकेट नॉन क्रीमिलियर क्रिमिलियर सर्टिफिकेट वो भी है इनकम सर्टिफिकेट फॉर ई डब्ल्यू एस स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट फॉर द रिजर्व इफ यू आर आस्किंग फॉर रिजर्वेशन स्पोर्ट्स कैटेगरी दैन पी एच पी एच फिजिकल हैंडी कैप का जो है वो एन सी सी इंस्ट्रक्शन का है लिए वो दैन रेगुलर क्लम्बिंग सर्टिफिकेट दैन फोटोग्राफ अपलिकेंट सिग्नेचर यह सब चाहिए ओके okay. एजुकेशन जीएनएम और बी एस सी चाहिए ये तो मस्ट है आपका इसके और उसके साथ तेलंगाना स्टेट नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन चाहिए okay, next we will see the age relaxation. Age कितना होना चाहिए मैक्सिमम फोर्टी फोर अपर एज फोर्टी फोर ईयर्स का है एज रिलैक्सेशन कितना मिलेगा आपको तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट के अगर एम्प्लॉय हो तो आपको पांच साल का ये मिलेगा जिला फोर्टी फोर प्लस फाइव क्वल टू फोर्टी नाइन ईयर्स यहाँ तक फॉर्म भर सकते सर्विसमैन तीन साल का एनसी है आपके पास तीन साल का एस सी एस टी ए डब्ल्यू एस के लिए पांच साल का फिजिकल हंडेल कैप टेन ईयर का ओके जो अपर एज है फोर्टी वो ओके सो अपर एज लिमिट इज फोर्टी फोर ईयर्स उसके बाद जो ये एज रिलेक्शन आपका एड हो जाएगा नेक्स्ट है नेक्स्ट वी विल सी द एग्जामिनेशन फीस एग्जामिनेशन फीस आपकी है फाइव हंड्रेड रुपीज़ ये आपको नॉन रिपेंडेबल है हर एक कैटेगरी के लोगों को फाइव हंड्रेड रुपीज़ देने हैं सिर्फ अप्लीकेशन फीस जनरल कैटेगरी के लिए वन ट्वेंटी रुपीज़ है वन ट्वेंटी एंड बाकी एस सी एस टी ई सी डब्ल्यू बी सी ई डब्ल्यू एच पी एच एक्स सर्विस मैन तेलंगाना स्टेट के जो भी है अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट एटीन टू फोर्टी फोर ईयर्स के तो उनको कुछ देने की जरूरत नहीं लेकिन फाइव हंड्रेड रुपीज़ आपको भरना ही है देन मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हो ठीक है अप्लीकेशन आपको ट्वेंटी जनवरी दो से लेकर 15 फेब्रुवरी तक भरना है ठीक है so सो ये हो गया रिटर्न एग्जामिनेशन हो गया उसमें अस्सी ए टी एम आएंगे ठीक है ए टी रहेंगे रिटर्न एग्जामिनेशन रहेगा ठीक है सिलेबस दिया है आगे वो पढ़ लेंगे सब पूरी एग्जाम इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगी हॉल टिकट वगैरह सब आपको आपके फोन नंबर पे ईमेल आईडी पे आ जाएगा ऑनलाइन कहाँ कहाँ पे एग्जाम होने वाला है एग्जाम होने वाला है हैदराबाद वरंगल करम खम्भम एंड निज़ामबाद ओके ये चार यहाँ पे जगह पे एग्ज़ाम होने वाला है जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया है सब हो गया उसके बाद <coughs> रिजर्वेशन डोमेसाइल कास्ट सर्टिफिकेट लोकल रिजर्वेशन लोकल रिजर्वेशन क्या होता है ओके जो दोस्त कैंडिडेट वर फ्रॉम तेलंगाना स्टेट इफ दे वांट लोकल रिजर्वेशन नाइन्टी फाइव परसेंट के हिसाब से तो दे हैव टू प्रोड्यूस द एजुकेशन सर्टिफिकेट दैट इज फ्रॉम वन टू सेवन क्लास तक पढ़ने का जो सर्टिफिकेट रहेगा दैट वी हैव टू मेक इट फ्रॉम द लोकल गवर्नमेंट बॉडी ओके दैट इज जोन वन जोन टू जोन थ्री जोन फाइव जोन सिक्स ये सब दिया है लोकल बॉडी यहाँ पे अगर क्लेम करना है ओके okay? एक दो तीन चार पाँच छः सात ओके okay? ये जोन दिए है आप पढ़ लेना आ, आद, आ, ये एडवर्टाइजमेंट में डिस्क्रिप्शन सो आई विल अपलोड दिस होल एडवर्टाइजमेंट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओके यू कैन रीड इट फ्रॉम दियर ओके सो दिस इज द जोन आपको फॉर्म भरते के टाइम पर यह सब कुछ देखना है यहाँ पे आप अपने वन टू सेवन पढ़ाई कर ली है तो यहाँ पे जोन में आपको नाइन्टी फाइव परसेंट रिजर्वेशन मिलने के चांसेस है ठीक है तो ये हो गया अब यहाँ पे पूरे रिजर्वेशन के हाँ यहाँ पे जोन के हिसाब से दे दिया है सबसे ज्यादा वैकन्स पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की है थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड एंड ट्वेंटी थ्री कौन से जोन में कितनी वैकेंसी है उसकी वो दी है तो उसके हिसाब से आप लोकल स्टेटस आप ये कर देना ठीक है नेक्स्ट टोटल वैकेंसी है फाइव थाउजेंड टू जीरो फोर सो होप सो माई डियर फ्रेंड्स माई डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर माई डियर स्टाफ नर्सेस होप यू लाइक माई वीडियो ओके सो काइंडली आई रिक्वेस्ट यू ईच एंड एवरी वन दो आर वॉचिंग दिस वीडियो Uh, su kindly subscribe my channel um, like uh, my channel uh, like my video and press the bell icon okay so uh, all the updates regarding these vacancies and uh, regarding the uh, how to fill the application forms everything i uh, i will made all the videos and i will upload on my uh, youtube channel so uh, this is it all um, this um, uh, this is about uh, these advertisements okay let's we will meet uh, in my next video. So till that, goodbye. Jai Hind.